नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद सीएनसी मशीन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने के वोल्ट में कितने का स्पैनल यानी पाना लगेगा, उसी के बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त जाना करते हो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोग देख करके बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये बोल्ट है और ये स्पैनल है, और इस तरह का ड्राइंग आपका स्क्रीन पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो पहले इसका कैलकुलेशन समझने से पहले हम बोल्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको डाया कहते हैं, यानी कि ये बोल्ट का डाया, और यहाँ से यहाँ तक ये बोल्ट का लेंथ होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये टीथ होता, और यहाँ से यहाँ तक इसको बोल्ट का हेड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ठीक वैसे ही स्पैनर, ये जो इस तरह का आपका स्पैनर दिखाई दे रहा, ये इस टाइप के स्पैनर को या तो डी टाइप स्पैनर कहते हैं या तो ओपन टाइप स्पैनर कहते हैं, ठीक। एक रिंग तरह का होता है, जो इस तरह से रिंग होता है वो उसको रिंग स्पैनर कहते हैं, जो गोलाकार का होता है, ठीक है। तो ये बोल्ट और स्पैनर के बारे में छोटी सी जानकारी थी। इसके बाद इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग समझेंगे कि कितने के बोल्ट में कितने का स्पैनर हम लोग यूज करेंगे, उसका क्या कैलकुलेशन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे उसका कैलकुलेशन निकालने के लिए स्पैनर साइज इक्वल टू 1.5 इंटू बोल्ट डायर। इसका मतलब ये हुआ कि स्पैनर का साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1.5 इंटू बोल्ट का जो डायर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैं आप लोग को बताया कि ये बोल्ट का डायर है, ठीक है। मान लीजिए ये डायर 10 mm का है, ठीक है, इसका डायर हम मान लेते हैं 10, ठीक है। तो यानी कि इसका डायर जब 10 है तो इसमें कितने mm का स्पैनर यूज हम लोग करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आसानी से हम लोग इसका स्पैनर साइज बता सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि 10 mm का बोल्ट है, 10 mm का बोल्ट के लिए 10 × 1.5, क्योंकि ये 1.5 फॉर्मूला था, इसलिए 10 × 1.5 जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 mm स्पैनर साइज से हम लोग आसानी से इस बोल्ट को खोल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि इसका डाया, जो बोल्ट का डाया है, वो 12 mm होता है, और मैं आपको फिर से बताता हूँ, बोल्ट का डाया ये होता है, ये हेड नहीं होता है, ठीक है। इसको हेड कहते हैं। कभी जब भी कोई डाया यदि आपसे कोई पूछे तो इसको ना मिला करके इसको मिला के, क्योंकि ये बोल्ट का डाया होता है। तो मान लीजिए कि इसका डाया 12, ठीक है, ये 12 mm का बोल्ट है, इसमें 12 × 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 mm का स्पैनर यूज करेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही मान लीजिए 16 mm का बोल्ट है, 16 mm बोल्ट के लिए 16 × 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24 mm का स्पैनर हम लोग यूज कर सकते हैं 16 mm बोल्ट खोलने के लिए। ठीक वैसे ही 20 mm बोल्ट है, 20 mm बोल्ट को ओपन करने के लिए 20 × 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि इसके लिए 20 mm बोल्ट के लिए 30 mm का स्पैनर लगेगा। ठीक वैसे ही 24 mm बोल्ट के लिए 24 × 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36, यानी कि 20 mm बोल्ट को खोलने के लिए 36 mm का स्पैनर हमें चाहिए, यानी कि पाना हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है। जैसे कि आप लोग कहिएगा कि सर 10 mm बोल्ट खोलने के लिए हम 16 mm का स्पैनर से खोल सकते हैं। हाँ, खोल सकते हैं। ठीक, 12 mm बोल्ट के लिए आप यहाँ पे 18 के बदले 19 यूज करके आप खोल सकते हैं। हाँ, जरूर खुलता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो फार्मूला मैं बतलाया हूँ ये स्टैंडर्ड के लिए है, और अभी बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर लोग हैं जो कि अपना प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके साइज में वेरिएशन आता है, इसलिए आप 10 mm बोल्ट को 15 के बदले 16 से खोल सकते हैं, फिर 12 mm बोल्ट को 18 के बदले 19 स्टैंडर्ड से खोल सकते हैं, क्योंकि वो लोकल मैन्युफैक्चरर है। लेकिन यदि वो स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड के लिए ये फार्मूला आपको यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बोल्ट और स्पैनर के बारे में छोटी सी जानकारी थी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।